हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेम। तो वंस अगेन आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नया व्लॉग लेके। तो आज अभी है संडे और हम सब लोग जा रहे हैं हमारी कुलदेवी माँ के दर्शन करने के लिए। माता जी को क्या कर? हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से माता जी को प्रसाद आएगी। हम जा रहे हैं यहाँ से हमारी कुलदेवी माँ के दर्शन करने। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी और अभी मैं करूँगी खुशी और विश्वा को रेडी और फिर चलते हैं। फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं कहाँ जाने के लिए? मंदिर। फिर हम लोग तैयार हो गए, ब्लू कलर का हम लोग प्लेटर आए हैं। फिर हम लोग जाएंगे मंदिर। बाय। देखिए फ्रेंड्स, दोनों को यहाँ पे सुला दिया है, जग रहे हैं दोनों अभी। पर देखो कैसे बैठ गए, आहा खुशी तो देखो। वाह भाई वाह। तुम जागो, मैं चुम्मा कर दिया। ठीक है, मैं जागती हूँ, तुम सो जाओ। ठीक है, सो जाओ, चलो। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए और ये देखिए हर्षित माँ की मूर्ति। देखिए कितनी मनमोहक है और कितनी अच्छी है, मानो हमारी तरफ देख रही हो ऐसी है। और यहाँ पे बच्चे भी दर्शन कर रहे हैं, हम सब भी कर रहे हैं। और आप यहाँ का मंदिर भी देखो कितना अच्छा है, बहुत ही सुंदर है मंदिर। और जो हर्षित माता है उनका मेन मंदिर जो शक्तिपीठ कहलाता है वो उज्जैन में है, और एक यहाँ पे भी है लाडोल में भी, और दूसरा है पाटन, और फिर एक है पोरबंदर भाटिया वहाँ पे है, उसमें से ये एक लाडोल में है। दर्शन कर लिए हैं और अभी हम हो रहे हैं रिटर्न। तो ये है हमारी कुलदेवी हर्षित माता का मंदिर जो लाडोल में है। तो अभी हम लोग यहाँ पे दर्शन करने आए। मैं भी आज पहली बार आई हूँ दर्शन करने, इतने सालों में मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। तो सो फ्रेंड्स, ये हम रिटर्न हो गए और आप देख सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है कैसा चेंज हो गया है। बहुत ही तूफानी एटमॉस्फेयर हो गया था, जोर शोर से पवन चल रही थी और बस बारिश स्टार्ट होने ही वाली थी। आप देख सकते हो कि कैसे सब तरफ जो है धुआं धुआं जैसा उड़ रहा है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ गए घर और अभी मुझे मन हो रहा है एक बढ़िया सी चाय पीने का। तो मैं पहले कपड़े चेंज करती हूँ और फिर पीती हूँ चाय। तो फ्रेंड्स, ये हो गया नेक्स्ट डे और मैं हो गई रेडी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा भगवान जी की। विश्वा को कर दिया है रेडी, विश्वा जाएगी स्कूल। और यहाँ पे मैं जल्दी से ख़त्म करती हूँ पूजा और फिर खुशी को रेडी करके स्कूल भेजेंगे। तो चलिए, मैं जल्दी से पूजा ख़त्म करने के बाद मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट। यहाँ पे मैं खा रही हूँ प्रसाद। तो चलो, आपको भी मेरे भगवान जी दिखा देती हूँ कि आज की पूजा कैसी हुई है। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। पूजा हो गई कंप्लीट और अभी यहाँ पे मैं पी रही हूँ चाय। मैं ले रही हूँ चाय की चुस्की। तो मिलते हैं चाय पीने के बाद। दिक्कत आ गई है, मेरा जो कुकटॉप है उसमें हो गया है शॉर्ट सर्किट और वो हो गया है बंद। तो चलिए अभी देखते हैं उसमें क्या हुआ है। बोलो।
तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरे ससुर जी ने पूरा खोल के रखा है और पता चला कि उसकी जो सर्किट है वो उड़ गई है, तो अभी उसकी होगी मरम्मत। तो फ्रेंड्स यहाँ पे खुशी हो गई है रेडी स्कूल जाने के लिए, पर अभी 10 मिनट्स की देर है। 10 मिनट्स बाद महेश भाई आएंगे और हम जाएंगे खुशी को छोड़ने। फिर मम्मी नहीं आएगी उसमें क्लास में। हाँ मम्मी तो नहीं आती ना क्लास में। हाँ लोहड़े के बाद नहीं है। हाँ। वो तो छोकरे बढ़ेगी। हाँ पढ़ेगी। हाँ फिर मारेगी। कौन मारेगा? मैम। मैम मारती है? नहीं। हाँ तो ऐसा क्यों बोलते हो? अरे मैम तो अच्छी होती है ना। हाँ आपकी मैम का नाम क्या है? क्रीना। क्रीना मैम। अरे वाह। तो फ्रेंड्स अभी खुशी हो गई रेडी, पहले मैं थोड़ी काम निपटा लेती हूँ, है ना। पहले मैं कपड़े डाल देती हूँ धुलने के लिए वॉशिंग मशीन में, फिर हम जाएंगे खुशी को छोड़ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब कपड़े मैंने डाल दिए धोने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ स्कूल, फिर अलग फिर स्कूल छुट्टी हो जाएगी, फिर अलग मम्मी के पास कर। अभी जा रही है खुशी स्कूल। खुशी तो नहीं रोती, गुड गर्ल है ना। तो चलो चलते हैं। फ्रेंड्स खुशी को छोड़ के आ गई थी मैं, और फिर पूरा रूम क्लीन हो गया, सब ऊपर का काम हो गया है। अभी मैं जा रही हूँ नीचे लंच प्रिपेयर करने, तो चलिए जल्दी से लंच प्रिपेयर करते हैं और फिर जाएंगे खुशी को लेने। तो फ्रेंड्स सारी रसोई हो गई ख़त्म और मैं जा रही हूँ मम्मी के घर कुकटॉप लेने, तो चलिए लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स मैं कुकटॉप भी लेके आ गई हूँ और लंच भी प्रिपेयर हो गया है। अभी खुशी को लेने जाने में थोड़ी देर है, तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा शिव पुराण पढ़ लूँ। मैंने स्टार्ट किया है पढ़ना, अभी एक वीक हुआ है स्टार्ट किए हुए, तो चलो आज का पढ़ लेती हूँ मैं, तो मिलते हैं बाद में। तो फ्रेंड्स टाइम हो गया अभी खुशी को लेने का, तो यहाँ पे महेश भी आ गए मुझे लेने, तो अभी मैं जाऊँगी खुशी को लेने स्कूल। खुशी आ गई और खुशी को मिला उसका पहला सर्टिफिकेट, ये ड्राइंग कंपटीशन का है ना। वाह। तो फ्रेंड्स ये खुशी का फर्स्ट सर्टिफिकेट उसकी लाइफ का, ये। अरे वाह खुशी, अभी डैडी को क्या बोलना, पार्टी क्या देने का? पार्टी। तो फ्रेंड्स हम आ गए घर, यहाँ पे खुशी कर रही है लंच, है ना। खुशी ऊपर क्यों लंच करते हैं, नीचे गर्मी लगती है ना। खुशी को नीचे लगती है गर्मी, इसलिए खुशी यहाँ पे एसी में बैठ के करती है लंच, है ना। क्या खा रहे हो? रोटी और दाल। हाँ खुशी खा रही है दाल रोटी, क्योंकि उसको सब्जी पसंद नहीं है, है ना। तो चलिए मैं करवा देती हूँ खुशी को लंच, मिलते हैं बाद में। तो फ्रेंड्स हम आ गए अभी विश्वा को लेने, अभी आएगी विश्वा की बस। हाँ अभी नहीं आई है, अभी 5 मिनट्स के बाद आएगी। तो हम आए यहाँ पे विश्वा को लेने, फिर जाएंगे घर, फिर विश्वा को लंच खिलाएंगे। कौन खिलाएगा लंच? जाके खाएगी वो। वो अपने आप खाएगी, तुम नहीं खिलाओगी? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नए कुकटॉप पे हो रहा है दूध बॉईल, दूध गर्म करने रख दिया। ये कुकटॉप में मेरी मम्मी के घर से लेके आई, क्योंकि वो जो पुराना वाला था उसमें हो गया शॉर्ट सर्किट और वो हो गया है बंद, अभी उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा, तो अभी इससे काम चलाएंगे हम। तो फ्रेंड्स खुशी ने अभी दूध पी लिया है,
और अभी खुशी सो जाएगी और खुशी की मम्मा भी सो जाएगी थोड़ी देर, है ना? हाँ, क्यों आएगा चश्मा? क्योंकि वो क्या करती है, वो धोती है, फोन देखती है ना? हाँ। इसलिए विश्वा को आ जाएंगे चश्मे। हाँ, तो अभी हम लोग सो जाते हैं। हाँ। मिलते हैं उठने के बाद, सो जाते हैं अभी। फिर पापा को पूछूंगी, पापा विश्वा ने फोन दिया उसको, उसके बाद फोन ले लो। हाँ ठीक है, चलो अभी हम सो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग सो के उठ गए और मैं और विश्वा यहाँ पी रहे चाय और साथ में खा रहे ब्रेड। तो चलिए अभी हम लोग चाय पी लेते हैं, ना विशु? तो फ्रेंड्स, हमने चाय पी लिए और अभी बच्चों को खानी है मैगी, तो मैं बना रही हूँ मैगी और फिर खाएंगे हम लोग मैगी। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग गाइस। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और इस वीडियो को बहुत सारा लाइक करना और बहुत शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।